साल का बच्चा जहाँ ठीक से बोल और समझ भी नहीं सकता, वहीं बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन देखकर भी अचंभा नहीं होता। ऐसा ही एक बच्चा हमारे साथ मौजूद है जो ना सिर्फ स्मार्टफोन यूज करता है बल्कि उसमें यूट्यूब को भी बेहतर तरीके से यूज करना जानता है। बच्चा जब इस तरह इतना छोटी उम्र में वीडियो देखता है तो आपको कभी कभी तो बहुत खुशी होती है कि वो नई नई चीजें सीख रहा है, पर कभी कभी बहुत आपको बुरा भी लगता है कि वो अपने आसपास के सराउंडिंग से इतना अवेयर नहीं है। देखिए, जब तक इसके हाथ में मोबाइल नहीं है तब तक तो ये टॉयज में इंटरेस्ट लेता है, पर जैसे ही इसके पास मोबाइल आ गया उसके बाद तो इसके पास कार्टून चलाता है और मोबाइल में लगा रहता है, उसके बाद और एक्टिविटीज़ में उतना इंटरेस्ट नहीं लेता है। हमेशा कुछ ना कुछ उनका फेवरेट चल ही रहा होगा और अगर आपने उनसे छीना तो वो बहुत बहुत गंदी तरीके से रिएक्ट करता है, बहुत चिड़चिड़ा जाता है और उसको काम करने में फिर हमको बहुत टाइम लगता है। जो डेवलपमेंट बच्चे का बाहर खेल के हो सकता है, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होकर हो सकता है, उस पर तो डेफिनेटली इससे इम्पैक्ट पड़ता है। हम लोग भी बहुत ज़्यादा खेलते थे तो इम्यूनिटी लेवल हम लोगों का अलग था, पर उसके लिए कुछ हम काफ़ी हद तक अपने आप को ही ब्लेम करते हैं जैसा एनवायरनमेंट हम लोगों ने क्रिएट कर लिया अपने आसपास। इतना ज़्यादा पोल्यूशन है कि आप चाहते हुए भी बच्चे को बाहर नहीं भेज सकते। हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि जैसे कुछ प्ले कार्ड्स वगैरह हम लोग, कुछ तो आपके मार्केट में रेडीमेड अवेलेबल गेम्स हैं, कुछ हम लोग भी प्ले कार्ड्स टाइप का रेडी रखते हैं जब हमें उसे डिसंगेज करना होता है मोबाइल से, तो उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं जो उनके बॉल वगैरह के गेम हैं उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकते तो कम से कम हम लोग के साथ घर में ही खेलें। मानसिक विकास के नाम पर अपने बच्चे के हाथ में मोबाइल थमाकर कहीं हम कोई भूल तो नहीं कर रहे, कहीं बेहतरी के नाम पर उसके भविष्य को कुएं में तो नहीं धकेल रहे, ये अब आपको तय करना है।